जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने गुरुवार को जनपद सभा कक्ष में विकास खंड स्तरीय समीक्षा की बैठक ली। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की समीक्षा की। अधूरे कार्यों और समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। समय सीमा में काम नहीं किया और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बढ़ती तो कार्यवाही के लिए तैयार रहने की बात भी कही। BMO डॉक्टर निरूपा झा से स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी ली। कंजारडा उप स्वास्थ्य केंद्र पर हेड पंप बंद होने की बात BMO द्वारा बताई गई, जिस पर कलेक्टर ने PHE विभाग को हेडपंप सुधारने के निर्देश दिए। जल संरक्षण के लिए पंचायत में किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। जनपद CEO DS मशराम ने 50 से अधिक पंचायतों में मनरेगा से परक्यूलेशन टैंक निर्माण होने की जानकारी दी। वहीं CEO ने मनरेगा में 1.5 महीने से भुगतान नहीं होने की बात भी कही। गांव वर्डिया नर्सरी की हालात खराब होने पर उद्यानिकी विभाग के प्रति नाराजगी जताई। नर्सरी में मनरेगा से कूप निर्माण करने के जनपद CEO को निर्देश दिए। वहीं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं होने को लेकर उप संचालक को सोमवार जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय में तलब किया गया है। हमारे जितने स्टाफ मेंबर्स अपने कर्मचारी अधिकारी हैं उनके साथ में एक जायजा लिया कार्यों को सर शासन द्वारा जो नगर परिषद में बोर्ड वगैरह जो लगाए जा रहे हैं साइनिंग बोर्ड वोटिंग प्रोजेक्ट अधू भी पड़े अभी तक पूरे नहीं हुए सर। एक तो स्विमिंग पूल और दूसरा औद्योगिक नियम तीसरा एक राम टिला ये अधूरे पड़े सर। शासन को पैसा चुनाव है काफ़ी सारे और इसकी शासन से राशि आती है और जैसे आएगा उसको पूरा कराया सर। नगर परिषद बोलती बजट नहीं है और नगर स्पीड ब्रेकर और दूसरी और साइनिंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं। एक तो शासन के अलग अलग मानों में पैसा रहता है नगर पालिका और नगर परिषद में और उसमें जो इनका लोकल जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर शासन से आता है और जो इनके छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो आप जो साइनेज और उसके लिए बता रहे हैं स्पीड ब्रेकर वो लोकल ही लोग अपने अलग से जी सर। शासकीय अपने शासकीय अस्पताल में करीब 3 वर्षों से पहले कैंटीन बंद पड़ा है अभी तक। क्या चीज़ का कैंटीन? कैंटीन कहाँ? अपने स्वास्थ्य विभाग में नशा लगा। मैं उसको निरीक्षण करवा के उसको तेजी से चालू करवाने के लिए